थोड़ा सा करने के बाद मैं तो उठ के आ गई, क्योंकि पैर लटका हुआ था तो उससे पैर में दर्द होने लगा था। तो सौरभ ने कहा तू जाके बैठ जा, मैं ही कर लेता हूँ, तो वो ही करने लगे अभी। फ्रेंड बच गया, मैं इस बिच्छू ने काट लिया होता। अभी मुझे कूड़ा लगा था, मैं इसको फेंकने वाला था उठा के, और जब गौर से देखा भाई ये बिच्छू, और आज भी पूरा दिन ही निकल गया। फ्रेंड ये चूल्हा बनाते बनाते ना मुझे आधी रात हो गई, 2 दिन से लगा पड़ा हूँ इसमें, पर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा काम इसमें और रह गया है। बाबू क्या बनाऊं खाने में बता। मोमोज। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे हों, मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड चेरी और मेरे पति बाहर घूमने गए हुए हैं टहलने, मैं तो अंदर ही हूँ। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी घूमूं, क्योंकि हमेशा से मैं इधर उधर घूमती रही हूँ और अभी एक जगह बैठ गई हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कब मेरा पैर ठीक हो, कब भी मैं इन तीनों के साथ खेलूँ, मतलब दोनों के साथ खेलूँ, क्योंकि चेरी ना बहुत खेलता है सुबह के टाइम। ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम कुछ ऐसा है, 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा खूब धूल छाई हुई थी, और अभी देखिए आसमान भी बिल्कुल साफ सुथरा है, मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस। पता नहीं ये दोनों लोग कहाँ गए यार, मुझे भी वॉशरूम जाना है, मैं इतनी देर से बैठी हूँ, लेकिन सौरभ उसको लेके घूम रहा है। आज तो कहीं घूमने का मन कर रहा है, मौसम बड़ा ही प्यारा है फ्रेंड। थोड़ी सी बारिश क्या हुई है देखिए, सारी धुंध खत्म हो गई, मैं बोली थी ना थोड़ी सी बारिश की जरूरत है, उसके बाद सब मौसम बढ़िया हो जाएगा पूरा। ये आ रहे हैं दोनों भागते हुए, चेरी मॉर्निंग टाइम में इतना खेलता है कि बस क्या ही बताऊं। बेटू चेरी, इसको चाहिए खेलने के लिए, फुदकने के लिए, तब भी खुश रहता है। आ गई आप, खेली आई, देख फिर भाग गो, एक मिनट चला गया। आजा तू आजा। अरे महादेव रुक जा, तू नोगे तक तू संग होता है, फिर भी मैं अकेली होती हूँ। संभल के आराम से, और मुझे नहाना है। नहला दूंगा चल तो सही। फ्रेंड आप लोगों ने बोला था कि नूतन के नाखून काट देना, ये तो काटेगी नहीं, इसे तो बहुत प्यार है अपने नाखूनों से, इसलिए मैं ही काट देता हूँ। पहले तो इसके पैर के नाखून उड़ाऊंगा, फिर उड़ाऊंगा इसके हाथों के। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मेरे पास नाखून ही तैयार है। तुम तो अकेले अकेले डोलते मुझे छोड़ जाते हो। पैर को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पैर की अच्छी नहीं लगते नाखून। ओए चल निकल यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से, लेकर हमारा तू है तो ना है, चल निकल जाते, हमारी बात बात मानता है तू कचू, निकल चल निकल अंदर जा जा। ऐ शाबाश, अरे चले सबर ना, बिल्कुल भी बिल्कुल ना है। इसकी फेवरेट दूध और रोटी आ गई है, वैसे रोटी खाता नहीं है, अभी इसमें दूध में डाल दिए ना तो खा रहा है आराम से। अभी ये मॉर्निंग में खा रहा है दूध रोटी, शाम को मुश्किल ही खाएगा, क्योंकि एक टाइम खाना खाता है, काम खाने वाला बच्चा। फ्रेंडा फाइनली अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहा ली हूँ, नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर दी अपनी, और अभी मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और उसके बाद मुझे अभी दवा भी खानी है दवाई, तो अभी सौरभ मेरे लिए खाना लगा रहे हैं, और उसके बाद सौरभ ले जाएंगे रसोई में अपना, क्योंकि रसोई एक दिन में ही कम्प्लीट नहीं होगी, इसको कई दिन लगेंगे पूरा बनाने में, चूल्हा भी बनाना, उसके बाद डेकोरेशन करनी है। तो चेरी तू एक जगह सो जाना,
अब मेरी बारी है, मैं खा लेती हूँ। ये है रात। तेरे पूजा किन की करी है, अपनी है भगवान की? भगवान की नो कह रही है, अपनी पूजा कर ले। करी तो मैंने है ना, तो तेने करी तो है। फ्रेंड ये रात का खाना है, रात ज्यादा बन गया था तो दाल चावल और रोटी अचार, अभी मैं खा लेती हूँ उसको। फ्रेंड मेरे पति फिर से वापस रसोई बनाने में लग गए, यानी चूल्हा वगैरह। और ये देखिए चेरी, चेरी ने सौरभ को बिल्कुल अपनी अम्मा बना के रखा है। अभी यहाँ पर सो रहा था अच्छा खासा, सामने ही आमने सामने, ज्यादा दूर तो है नहीं। और ये देखिए ये यहाँ पे किचन वगैरह बना रहा है अपना, वहाँ पे मट्टी पे दो पैर रख के आराम से बैठ गया। चेरी बच्चा उठो, पहले उठो। नहीं यार इतना ज्यादा शैतान है यार, तू कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, मट्टी है गंदा है, जाओ तू उठ 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 बच्चा ना मेरे, उठ जा कलम उठा कलम फिर कोने में जा बैठ जाएंगे काम कर। चूल्हा तो कल ही बना दिया था, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था। बाकी का यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, एक और चूल्हा बनेगा अभी। और जो भी रसोई के अंदर कढ़ाई होती है, पूरा इधर का एरिया पूरा रसोई से कवर करेंगे। नूतन यहाँ पे दीवाल की पुताई कर रही है, क्योंकि मुझसे इसकी पुताई होगी नहीं, ये दीवाल की पुताई कर देगी, उसके बाद नीचे का सेटअप मैं कर दूंगा। अपने पैर का ख्याल रख लियो बच्चे, पीछे को रखियो उसको, ठीक है? हाँ, और आराम आराम से करियो। थोड़ा सा करने के बाद मैं तो उठ के आ गई, क्योंकि पैर लटका हुआ था तो उससे पैर में दर्द होने लगा था। तो सौरभ ने कहा तू जाके बैठ जा, मैं ही कर लेता हूँ, तो वही करने लगे अभी। फ्रेंड बच गया, मैं इस बिच्छू ने काट लिया होता, अभी मुझे कूड़ा लगा था, मैं इसको फेंकने वाला था उठा के, और जब गौर से देखा भाई ये बिच्छू, नूतन देख रही है इसको? भाई देख, हम सोते हैं जमीन पे ठीक है, तुम्हारे जो रहे हो हाथ, ये सब छोड़ो यार चूल्हे वूल्हे, क्योंकि ये मिट्टी में निकला है और ये मिट्टी अंदर भी पड़ी है, रात को हम यही नीचे सोएंगे, हम बताओ क्या होगा हमारा। देख ले यार, बाल काट ले, इसमें घुस गया है कीड़ा, जैसे पहले घुस गया था, अब इसको मार दूं क्या करूं, इसका मार दूं इसको क्या करूं यार, तू ना मेरे आंखन के सामने थे यार, हटा दे वो कीड़न थी, इतनी घिन है भाई, बस बताओ सबूं मैं अपने मुंह से मार दे रहा हूं फिर से, ठीक है? चेरी के सामने मत मांगे, भागोगे पकड़ लेगू। फ्रेंड इसको मैं मार ही दे रहा हूं यार, आगे वाले ढंग चला रहा है, सुन रही है ना? ऐसा फील हो रहा है कहीं वो पीछू फिर से ना आ जाए, कहीं हमारे हाथ पैर से ना चिपक जाए, कहीं कहीं काट ना ले। मम्मा एक दिया मैंने, सच में यार मैं बड़ा अजीब सा लग रहा हूँ, वो तो पूरी रात नींद भी ना आएगी आज। भले ही फेंक दो लेकिन दिमाग तो थोड़ी ना निकलती है, ये जे वाली बात है। देखिए सौरभ ने पूरी दीवार की लिपाई कर दी है, यहाँ से दीवार की लिपाई के बाद ये दूसरा चूल्हा बनाना शुरू कर दिया है, दो चूल्हे अच्छे लगते हैं एक साथ। तो फाइनली फ्रेंड अभी बज चुके हैं 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है शाम के, और सौरभ ने रसोई बना दी है जितना उनसे बना आज के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया इनको, सुबह से अभी शाम हो गई करते करते, तो अब पैर दर्द करने लगे इनके, तो अभी वो हाथ धो रहे हैं सौरभ वहाँ पे। और ये देखिए सौरभ के मिट्टी का रसोई, ये देखिए वहां तक हमने लीप दिया है यहाँ तक मिट्टी से, और ये देखिए मिट्टी का ही फर्श है सुंदर सा, और ये एक साथ दो जुड़वे चूल्हे। लग रहा है आपको ये सब बना के एकदम अच्छा सा लग रहा होगा ना अंदर से? अभी पानी भर के लाता हूँ। ठीक है ठीक है फ्रेंड, अभी हम लोग ना बाहर भी खाना बनाते थे तो बारिश में भी प्रॉब्लम होती थी, और ये जो ऊपर रहते हैं किराएदार वो भी, उनके बच्चे भी थूकते थे खाने पे, तो ये अच्छा नहीं लगता था हमें, तो हम लोगों ने अंदर बना लिया। और कोशिश करेंगे एक अलग कमरा देखने की यहाँ से बहुत जल्दी, क्योंकि ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है कि ऊपर से ना बारिश के टाइम पानी आता है, वो चीज हमें ज्यादा परेशान करती है। अब जमीन पर बिस्तर है तो फिर और ज्यादा परेशानी आएगी, तो इसलिए
तब तक रहना रहना, उसके बाद कुछ देख लेंगे नया अपना अलग, है ना मम्मा। अभी हम लोग यहाँ पे गेरू से और खड़िया से कढ़ाई करेंगे रसोई में, तो इसका व्यू और ही अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि सौरभ के पैर थक गए करते करते, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा फ्रेंड इसमें। कल भी पूरा दिन निकल गया था करते करते, और आज भी पूरा दिन ही निकल गया। अभी तक इतना ही बना है, क्योंकि मिट्टी का बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है फ्रेंड। ये चूल्हा बनाते बनाते ना मुझे आधी रात हो गई, 2 दिन से लगा पड़ा हूँ इसमें, पर ये कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा काम इसमें और रह गया है। नूतन ने पूजा भी कर लिया, मेरा रह गया अब खाना। मेरी कमर दर्द कर रही है बहुत तेज फ्रेंड। सारा काम हो गया, चूल्हा वगैरह बन के तैयार हो गया, लेकिन खाना हमारा अभी तक नहीं बना है, तो वो हम लोग हीटर पे बना लेंगे, क्योंकि अभी मौसम ठीक है तो लाइट वाइट जाने के कोई चांस नहीं है, तो आराम से बना के खा भी सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, अभी खाना बना के खाना भी है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। बाबू क्या बनाऊं खाने में बता, कुछ भी बना लो, तेरा मन तो होगा कुछ। मोमोज। बाबू यार इसे क्यों खोल रही है, वैसे भी टूटा फूटा है। सब्जी बता, सब्जी क्या खानी है, हैं? वही तो कह रहा हूँ, जो तुम्हारा मन करे वो खा दे, मैंने तो बता दी मुझे मोमोज खाने हैं, जो कि तुम मुझे ऑयली ऑयली चीज है वो, ऑयली कभी ना खवाऊंगा तुमको मोमो, जब तक तू ठीक ना रही, जब तक तेरी दवा चल रही है। तो हमें मोमोज ही खाने, आप खिलाओ मत खिलाओ।